जय श्री राम, जय श्री राम। तो ये मंदिर के दर्शन कराने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि गिनीस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इस मंदिर का नाम है। ये है कनॉट प्लेस दिल्ली में। 1964 से यहाँ पर लगातार जय श्री राम का नाम लिया जा रहा है। तो ये है वर्ल्ड रिकॉर्ड यहाँ पर। मैंने सोचा ये व्लॉग मैं बिल्कुल मंदिर के अंदर से ही शुरू करूँगा, बिकॉज बहुत सारे व्लॉग्स बनाए, रास्तों से बनाए, रास्ते दिखाए, एंट्रेंस दिखाई, मंदिर दिखाया, लेकिन ये हनुमान बाबा का मंदिर है जो सजाया हुआ है नए साल के शुरुआत में। तो मुझे लगा इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता कि हम सबसे पहले शुरुआत करें सीधे मंदिर से। तो हनुमान बाबा के चरणों में अपना प्रणाम करते हैं हम लोग को, जय श्री राम का नारा, बिकॉज़ ये साल श्री राम मंदिर का उद्घाटन होने वाला है। तो बहुत ही अद्भुत मंदिर है। मैं ज़्यादा बातें नहीं करूँगा, बस आपको छोड़ के जाऊँगा। इस वक्त ये व्यू में, ये एहसास में कि आप बस मन में आपको लगे कि आप यहीं पे खड़े हैं। जय श्री राम। और ये चीज़ मैं आपको स्पेशली इसलिए दिखा रहा हूँ कि दिल्ली में कनॉट प्लेस वाले हनुमान बाबा के मंदिर के बाहर कचौड़ियाँ और चाय का जो मज़ा है, तो ये आप समझ सकते हो अगर कोई दिल्ली में रहता हो। मुझे नहीं लगता किसी ने इस चीज़ को आनंद ना किया। और गाइस, आज पहला दिन है साल का और आप भीड़ देख सकते हैं, पूरा ट्रैफिक। अभी जब मैं अंदर गया था तो लाइन बिल्कुल मंदिर की स्टार्टिंग से थी, लेकिन अभी देखो, ये देखो, ये पूरा लाइन, पूरा इतना लंबी लाइन बन चुकी है कि कम से कम एक घंटे में दर्शन होंगे ये मेरे हनुमान बाबा के। और लेकिन फिर भी संयमता से लोग आराम से करेंगे और करना भी चाहिए। और यहाँ से बहुत सुंदर सुंदर दुकानें हैं, पूजा का सामान, प्रसाद आप ले सकते हैं। तो ये सराउंडेड है सारा यहाँ पे, और बहुत ही अच्छा। तो अगर आप यहाँ पे आएँ तो कचौड़ी ज़रूर खाइएगा और बूंदी और पेड़े का प्रसाद ज़रूर लीजिएगा। तो एंजॉय करिए। देखिए यहाँ पे बाबा के झंडे बहुत अच्छे मिलते हैं, और बिल्कुल बराबर में यहाँ पे आगे पीछे आनंद शर्मा इन मस्ती का मूड। और ये है मंदिर, और अभी मैं आपको बाहर की एंट्रेंस दिखा रहा हूँ यहाँ से। तो यहाँ से देखिए, ये सामने मंदिर है और यहाँ से एंट्रेंस है। आज जान के मैंने अंदर से शुरू किया था, बिकॉज सीधे मंदिर से, तो बट आपको एंट्रेंस के लिए यहीं पे आना होगा। प्रसाद आपको कहीं पे बराबर में आराम से मिल जाएगा, सुबह से आराम से आप आएँ और आराम से प्रसाद लें। मंगलवार को छोड़ के बाकी दिन उतनी भीड़ नहीं होती है। जय श्री राम। तो भाई, ये ब्लॉग मैं यही ख़त्म करता हूँ, बाबा के दरबार से हनुमान मंदिर कनॉट प्लेस से। और उम्मीद करता हूँ कि जो दर्शन कराने की एक मेरा प्रयास था वो आप लोगों ने किया होगा और आपको बहुत अच्छा लगा होगा और दर्शन अच्छे से होंगे। तो अगर आपको पसंद आया तो ज़रूर कुछ कमेंट लिखिएगा, श्री राम, हनुमान बाबा की जय। सही बात है ना? सही बात है जी। जय श्री राम। तो ये हमारे छोटे पंडित जी भगवा में बिल्कुल वो हुए हुए, और ये हमारी धर्मपत्नी जी, बोलिए जय श्री राम, जय श्री राम।
और ये कुछ दर्शन आपको शेयर कर रहा हूँ जो मंदिर के अंदर पेंटिंग्स मूर्तियाँ लगी हुई हैं बाबा की, और जो सज्जा है आज की दरबार की, तो ये देखिए फूलों की, ये आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ।